हेलो गाइस माय नेम इज नितेशश एंड यू आर वाचिंग माय चैनल नितेश फिजिक्स तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बी एच यू एम एस सी फिज़िक्स के लिए टॉप टेन प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसके आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है हर साल बी एच यू एंट्रेंस में तो इस बार मैंने ये वीडियो बनाई है टॉप टेन प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखते रहिएगा जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है अपकमिंग एग्जाम के लिए तो बिना किसी देरी के आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूक्लियर रेडिएशन कैन बी डिटेक्टेड बाय न्यूक्लियर रेडिएशन को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं तो ऑप्शन है साइक्लोट्रॉन जीएम काउंटर न्यूक्लियर रिएक्टर एंड सिंक्रोकनिक इलेक्ट्रॉन तो ये देखिए पिछले कई बार से यह क्वेश्चन पूछा जाता रहा है लेकिन 2016 के ऑनवर्ड ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया अब तक तो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो आप इसको समझ लीजिए कि न्यूक्लियर रेडिएशन को हम जीएम काउंटर से डिटेक्ट कर सकते हैं तो जो राइट right ऑप्शन होगा वो सेकेंड होगा जी काउंटर आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन है द मटेरियल यूज एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर इसको बहुत सारे स्टूडेंट गलत करके चले जाते हैं यहाँ पे मॉडरेटर न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा मटेरियल है जो मॉडरेटर की तरह यूज किया जाता है तो बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं कैडमियम मार के चले जाते हैं जबकि सही ऑप्शन है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को एज ए मॉडरेटर यूज किया जाता है तो ऑप्शन टू विल बी द राइट ऑप्शन आगे बढ़ते हैं द इफेक्टिव यूनिट चार्ज इन बी सी एस इज बी सी एस में इफेक्टिव यूनिट चार्ज कितना होता है तो आपको ऑप्शन दिया है ई फोर ई टू ई एंड थ्री तो याद रखे रहिए बी सी एस में जो इफेक्टिव चार्ज होता है वो टू ई के इक्वल होता है टू ई के तो सही ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड टू ई आगे बढ़ते हैं थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ हीलियम सेकेंड इज हीलियम सेकेंड के लिए जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है क्या होती है इसमें कई सारे ऑप्शन दिए हैं मोर देन डेट ऑफ कॉपर इक्वल टू डेट ऑफ कॉपर जीरो लेस देन डेट ऑफ कॉपर तो थर्मल कंडक्टिविटी हीलियम सेकेंड के लिए जो होती है वो कॉपर से ज़्यादा होती है तो ऑप्शन वन विल बी द राइट ऑप्शन मोर देन डेट ऑफ कॉपर आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन बोला द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ़ फ्री स्पेस इन गुलाम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सिंपली आपको एफसाइलर नॉट की वैल्यू पूछ रहा है तो हम गुलाम फिला से जानते हैं कि जो वन बाई फोर पाई एफसाइला नॉट की वैल्यू आती है वो होती है नाइन इंटू ट्वेंट पर नाइन तो यहाँ से अगर एफसाइलर नॉट की आप वैल्यू कैलकुलेट करना चाहेंगे तो ये हो जाएगी वन बाई थर्टी सिक्स पाई और ट्वेंट माइनस नाइन ऊपर चला जाएगा तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन थर्ड जो है वही इससे मैच कर रहा है तो करेक्ट वैल्यू हो जाएगी टेन पर माइनस नाइन अपन थर्टी सिक्स फाइव बहुत सारे स्टूडेंट्स सेकंड ऑप्शन मार के चले जाते हैं आप इसको ध्यान दीजिएगा एग्जाम में नेक्स्ट क्वेश्चन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस क्लोज सरफेस के लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहा है तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं डायरेक्टली प्रपोजल टू द चार्ज इनवर्सली प्रपोजल टू द चार्ज डायरेक्टली प्रपोजल टू स्क्वायर ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ चार्ज ये आप ध्यान रखिए कि टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रपोजल टू द चार्ज होता है तो ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन आगे बढ़ते हैं द प्योर रोटेशनल बैंड इन द फार आई आर फार आई आर के लिए पूछा है आई आर मीन इंफ्रा रेट वर फर्स्ट नोटिस इन द एब्जॉर्सन स्पेक्ट्रा ऑफ आप इसके लिए राजकुमार की बुक पढ़ सकते हैं वहां पे यह डायरेक्ट लिखा हुआ है कि जो प्योर रोटेशनल बैंड होता है इन फार इंफ्रा के लिए वो सबसे पहले वाटर में नोटिस किया गया था तो ऑप्शन तो वन जो है यहाँ पे वन वाटर विल बी द राइट ऑप्शन आगे बढ़ते हैं इन द केस ऑफ स्ट्रोक लाइन ऑफजर्ड इन ए रमन इफेक्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइन स्ट्रोक लाइन के लिए जो रमन इफेक्ट हमें मिलता है उसमें फ्रिक्वेंसी क्या होती है मोर देन डेट ऑफ इंसिडेंट लेस देन डेट ऑफ इंसीडेंट रेडिएशन इक्वल टू द डेट ऑफ इंसीडेंट रेडियज नॉन ऑफ दीज तो अगर आप रमन इंस्पेक्टर पढ़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि जो ऑब्जर्व होती है स्ट्रोक लाइन वो होती है लेस देन डेट ऑफ इंसीडेंट रेडिएशन तो सो ऑप्शन टू विल बी द राइट ऑप्शन आगे बढ़ते हैं ये काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है कई बार पूछा गया बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ए प्योर सेमी कंडक्टर बिकम्स एन इंसुलेटर जो सेमी कंडक्टर होता है प्योर वो किस टेम्परेचर पे इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है तो इसमें जो ऑप्शन वन है जीरो कैलविन वही राइट ऑप्शन है जीरो कैलविन पे जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है आगे बढ़ते हैं ये लेजेंडर पॉलिनॉमिल पी नॉट पी जीरो एक्स की वैल्यू पूछा गया है इसको आप पढ़ लें थोड़ा सा और पी जीरो एक्स की वैल्यू जो आती है वो आती है वन तो आप इसको ध्यान देंगे ऑप्शन फोर विल बी द राइट ऑप्शन तो फ्रेंड्स आई आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो या लग रही होगी तो इस तरह के बहुत सारी वीडियोज़ अपकमिंग डेज में अपलोड होने वाली है अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी आंसर मैंने गलत दिया है तो आप कमेंट सेक्शन में करके बताएं मैं उसको रिव्यू करूंगा और आंसर को सही करूंगा तो आने वाले दिनों में आपको प्रैक्टिस सेट किस तरह की वीडियो मिलती रहेंगी जो सोल्यूसन चेंज चल रहा है जो मैंने थ्री वीडियो अपलोड कर चुकी है टू की वो भी चलती रहेंगी उसके आगे भी प्रॉब्लम आने वाले हैं तो आप चैनल पर बने रहिए चैनल को सब्सक्राइब करिए शेयर कीजिए और लाइक बटन को प्रेस कीजिए तो फिर मिलते हैं फ्रेंड किसी दिन किसी और वीडियो के साथ तब तक के लिए